अगली खबर में बात करते हैं दमोह की, जहां फूड पॉइजनिंग से 10 से ज्यादा छात्राएं बीमार। वर्डन बोली, 160 छात्राओं ने खाना खाया खराब नहीं था। हम दो जिले के टोली व संचालित शिक्षा बुआ के कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास की करीब एक दर्जन छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया। सभी छात्रों को पेट से दर्द और उल्टी की शिकायत थी। रविवार शाम छात्रावास की सभी छात्राओं ने खाना खाया और कुछ घंटे बाद वहां की करीब एक दर्जन छात्राओं को उल्टियां होने लगी। किसी को पेट में दर्द तो किसी को सीने में दर्द होने लगा। इस दौरान छात्रावास की वार्डन मौजूद नहीं थी। सहायक छात्रावास सहायक वार्डन के छात्राओं ने मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। बाद में गांव के कुछ लोगों की मदद से इन छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। आरोप बीमार छात्राओं का है। अस्पताल पहुंची छात्रा शांति लोधी ने बताया कि वह काफी देर तक मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी उन्हें ना तो डॉक्टर लेकर आया और ना ही उन्हें अस्पताल लेकर आ रहा था। बाद में गांव के सरपंच उन्हें अस्पताल लेकर आए। छात्रा ने यह भी बताया कि छात्रावास की वार्डन करीब 2 सप्ताह से छात्रावास नहीं आई। मामले में छात्रावास वार्डन दीप्ति चौबे का कहना है कि उनके पास 2 छात्रावासों का प्रभार है, इसलिए वे बारी बारी से एक एक छात्रावास में जाती हैं। बात फूड पॉइजनिंग की तो छात्रावास में करीब 160 बच्चियां हैं। सभी ने शाम के समय खाना खाया था। यदि खाना खराब होता तो सभी बच्चे बीमार होते। मुझे बताया गया कि छात्रावास के पास किसी ने सौंच की थी, जिसकी गंदगी देखकर एक छात्रा को उल्टियां हुई और उसे देखकर बाकी छात्रों को उल्टियां होने लगी। छात्राओं का इलाज कर रहे डॉक्टर रोहित जैन ने बताया कि फिलहाल सभी छात्राओं की हालत सामान्य है, खतरे की कोई बात नहीं है। जिस हिसाब से छात्राओं ने अपनी तकलीफ बताई, उससे लगता है कि उनके खाने में कोई ऐसी चीज पहुंची है जो उन्हें परेशान कर रही है। फूड पॉइजनिंग है या नहीं, इसकी जानकारी बच्चों की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद बताया जा सकता है। फिलहाल सभी छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ लड़के तो गंदगी देखकर उन्हें उल्टियां आने लगी, उनका गला दर्द करने लगा, तो कुछ पढ़ाई करते करते हम लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, छोटी छोटी बच्चियों का गला दर्द करने लगा, तो वहाँ लगभग 2.5 घंटे तक हम लोग वहीं पे उनको पकड़े रहे, सरपंच के पास गए, फिर वो भी आए और उन्होंने हमें यहाँ पे लेकर आए। फूड पॉइजनिंग होती तो सबको होती। बच्चे तो हमारे कम से कम 150-200, 175 सीटर है, जिसमें से 160 बच्चे हॉस्टल में मौजूद हैं। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।